वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर उसका तीसरा वेरिएंट जो है वो पढ़ेंगे। हमने पढ़ा मोनोटोनिक रीजनिंग, हमने पढ़ा नॉन मोनोटोनिक प्रोडक्शन सिस्टम और उसके बाद पढ़ेंगे हम अब पार्शियली कम्यूटेटिव प्रोडक्शन सिस्टम। अब ये पार्शियली कम्यूटेटिव प्रोडक्शन सिस्टम की जो डेफिनेशन है वो बड़ी सिंपल सी है, मैं उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे जितने भी वीडियोज हैं वो सारे के सारे आपको किताब से या कहीं और से आपको कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक एग्जांपल लिखूंगा जिस एग्जांपल को आप याद रखेंगे और वो एग्जांपल आपको पार्शियली कम्यूटेटिव प्रोडक्शन सिस्टम समझाएगा। फर्ज करिए कि मेरे पास तीन रूल्स लिखे हुए हैं, R1, R2 और R3। जब मैं ये तीन रूल अप्लाई करता हूँ तो मैं X नाम की कोई इनिशियल स्टेट से Y नाम की कोई फाइनल स्टेट तक पहुंच जाता हूँ। मेरे ख्याल से हमने कई सारे एग्जाम्पल्स देखे भी हैं इसके, कि जहाँ पे इनिशियल स्टेट हमें दी जाती है क्वेश्चन पे और हमें फाइनल स्टेट पूछी जाती है, हम फाइनल स्टेट तक पहुंच जाते हैं। वेदर इट इज वाटर जग प्रॉब्लम और 8 पजल प्रॉब्लम और 15 पजल प्रॉब्लम, हमें मालूम है कि उसका आंसर क्या आने वाला है। हमें एक्चुअल में वाई पता होता है और हमें एक्स जो है वो क्वेश्चन में दिया रहता है। खैर, ये तीन रूल्स को अप्लाई करके मैं एक्स से वाई तक पहुंच सकता हूँ। दैट इज वॉट वी कॉल पार्शियली कम्यूटेटिव। नहीं, पार्शियली कम्यूटेटिव ये है कि इस रूल्स का जो सीक्वेंस आपको दिया गया है आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है, आंसर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे और इसका कोई परम्यूटेशन भी लगा रहे हैं, इसका कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं या इसको जंबल्ड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने रूल नंबर 2 पहले अप्लाई करा, फिर रूल नंबर 3 करा, फिर रूल नंबर 1 करा, अगर मैं ये कर रहा हूं तो भी मैं एक्स प्रोड्यूसेस वाई बोले तो इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक पहुंचने में सक्षम हूं। मैं कोई भी कॉम्बिनेशन अगर इसका लेता हूं, R1, R2, R3 का कोई भी, वेदर मैं R3 को पहले ले लेता हूं या मैं R1 को लेके फिर 3 को लेके फिर 2 को ले लेता हूँ, नो डजंट मैटर। आप सिर्फ अगर इस तरह के कोई रूल्स हैं, तीन रूल्स, उन तीन रूल से आप इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंच रहे हैं, गोल स्टेट तक पहुंच रहे हैं, और आप तीनों रूल्स को जंबल करके भी अगर पहुंच रहे हैं तो आप फिलहाल पार्शियली कम्यूटेटिव प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है थ्योरम प्रूविंग। बहुत सारी दफा देखा गया है कि थ्योरम प्रूविंग जो है उसका बेस्ट एग्जांपल इसलिए भी है कि आप जब कोई थ्योरम को प्रूफ करते हो तो उसके अंदर हमेशा आप देखेंगे इक्वेशंस को रिप्लेस करते हो एक दूसरे के अंदर। कभी इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में डालते हो तो वहीं आपके फ्रेंड्स उसका उल्टा करते होंगे, शायद हो सकता है कि वो बाद में डालते हो उस वैल्यू को नीचे, लेटर ऑन स्टेजेस में डालते हो, लेकिन आप लोग लास्ट में उस थ्योरम को प्रूफ करके ही मानते हो। और लास्ट में थ्योरम को प्रूफ करने का मतलब ये है कि आप सही आंसर तक पहुंच जाते हो। मतलब कि अगर मैं यहाँ से चलूँ, किसी एक जगह पे जाना है मुझे पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक, तो मेरा रास्ता अलग है, मैं कुछ अलग सेट ऑफ रूल्स फॉलो कर रहा हूँ, जो सेट ऑफ रूल्स का सीक्वेंस है वो अलग है, आपका सेट ऑफ रूल्स का सीक्वेंस अलग है, लेकिन हम पहुंच एक ही जगह रहे हैं। मतलब हमारे जो आखिरी जो मेन हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है वाई। वाई क्या है यहाँ पे? वाई है गोल स्टेट। तो इसीलिए चाहे R1, R2, R3 हो, चाहे R2, R1, R3 हो, चाहे R1, R3, R2 हो, चाहे R3, R2, R1 हो, या एनी अदर कॉम्बिनेशन, जो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप इसका लगा सकते हो ना, R1, R2, R3 का कोई भी सीक्वेंस आप फॉलो कर लीजिए, आप हमेशा इनिशियल स्टेट जो होगी X से आप Y तक रिडायरेक्ट कर जाएंगे और गोल स्टेट तक पहुंच जाएंगे। दैट इज व्हाट वी कॉल पार्शियली कम्यूटेटिव प्रोडक्शन सिस्टम। थैंक यू सो मच।